जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2024 के लिए मास्टर योर ऑब्जेक्ट ड्राइंग आर्टवर्क विद अस। ओके, सो इसके बारे में अब बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिजाइन प्रैक्टिकल आर्टवर्क के बारे में बात किया था, इस बार ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एंड गाइस, 2024 के लिए बैचेस लॉन्च कर दिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड। गाइस, नाउ ये सबसे पहला सिलेबस है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का, आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग का सिलेबस क्या है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग, रियलिस्टिक रेंडरिंग यूजिंग पेंसिल ऑफ गिवन मैनमेड नेचुरल ऑब्जेक्ट। ड्राइंग शुड रिफ्लेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्राइंग ऑन अ गिवन पेपर साइज, रेंडर लाइट डिफरेंशिएशन ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो रेंडरिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइट कैसे एडजस्टमेंट होता है, शेडो वगैरह अगर देना है तो वो क्या है, ये सिलेबस में, ये सिलेबस का पार्ट है। इसी के बेसिस पे हम लोग आपको पूरी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए एग्जाम में। तो ये कुछ ऐसे है, ये कैप्सिकम का ऑब्जेक्ट था, ये सीईटी सेल ने दिया हुआ है। ओके, तो ये देखिए, ये रेंडरिंग किया है, शेडो वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है, सो नाइसली दे हैव मेड एजेस वगैरह जो जैसे दिख रहा है। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट एक दिया था कैप्सिकम, और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं, दिस वॉज नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये देखे आपको ड्रॉ करने को बोलेंगे। तो दिस इज दी आर्टवर्क जो सीईटी सेल को रिक्वायरमेंट है, ऐसे आर्टवर्क से ही आपको जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में मिलेगा एडमिशन। और कितने अच्छे से रेंडर किया है, कितने अच्छे से एस्थेटिक सेंस दिए, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ आर्टवर्क इफ़ यू वांट टू मास्टर इनटू दैट, सो यू कैन जॉइन अवर बैचेस, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।